Hello friends, how are you? We are talking about the bond parameters. In the last lecture, we discussed about the bond length. Alright, in this lecture, we are going to discuss about the second parameter, which is the bond angle. Okay, तो bond angle क्या है वो देखेंगे और bond angle में कौन सी चीज से क्या क्या डिफरेंस आता है वो भी देखेंगे. तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एंगल क्या है वो दोनों हम वन बाय वन देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं उसके डेफिनेशन. एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स two adjacent bonds at an atom in a molecule made up of three or more atoms is known as the bond angle. ओके, चलो किसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल. तो जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, लेकिन वो भी कब, जब तीन या उससे ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. ओके, तब दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल. ओके, मतलब कि बॉन्ड एंगल तब फाइंड किया जाता है जब मॉलिक्यूल में मिनिमम थ्री एटम तो होने ही चाहिए. ओके, तीन से ज्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन तीन से कम नहीं होने चाहिए. दो अगर एटम सिर्फ प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में तो आप बॉन्ड एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके, मतलब कि जब तीन या उससे ज्यादा एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तब दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा उसी को बोलेंगे हम बॉन्ड एंगल. ओके, और हम ये भी कह सकते हैं और एंगल बिटवीन टू लाइन रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. ओके, कि जब हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लाइन से, तो जो एडजेसेंट लाइन है दो उनके बीच का एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल. ओके, लेकिन मेन चीज ये है कि जब भी बॉन्ड एंगल की बात करो तो मिनिमम थ्री एटम प्रेजेंट होने चाहिए आपके मॉलिक्यूल के अंदर. ओके, अब ये जो आपका है वो उससे क्या होता है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ओके, उससे आपका 3D में अरेंजमेंट कैसा है वो भी आप जान सकते हो. ओके, कि जो मॉलिक्यूल है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा. प्लस ये जो बॉन्ड एंगल है वो मेजर किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री. ओके, मिनट एंड सेकेंड. ओके, जो बॉन्ड एंगल है वो किस में मेजर किया जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है, डिग्री में, मिनट में या फिर सेकंड में. ओके, डिग्री को आप ऐसे सुपरस्क्रिप्ट में लिखोगे डॉट जैसे से, एक सर्कल जैसा, राउंड जैसा. मिनट के लिए एक आप सिर्फ वन इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे और इसके लिए डबल. ओके, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ अब मेन चीज जो आती है वो क्या है वो देखते हैं. तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल्स, राइट, फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल. कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड एंगल को कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें इस लेक्चर में देखना है. ओके, चलो
वन बाय वन देखते हैं हम। पहला है रिपल्जन बिटवीन, रिपल्जन बिटवीन एटम्स और ग्रुप अटैच टू द सेंटर एटम, अटैच टू द सेंट्रल एटम। सही है। हमने क्या बोला कि हमारे पास तीन से ज्यादा एटम प्रेजेंट होने चाहिए मॉलिक्यूल में। अगर तीन से ज्यादा है तो कोई ना कोई एक सेंटर एटम होगा। तो जो हमारे सेंटर एटम के सराउंड में एटम और ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनके बीच रिपल्जन कैसा है? ओके, रिपल्जन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, रिपल्जन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीन्स रिपल्जन के ऊपर क्या करता है? तो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्जन बिटवीन कॉर्नर एटम। ओके, कॉर्नर एटम्स के बीच का जो रिपल्जन होगा उसके ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। जितना रिपल्जन ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा। ओके, चलो नाउ सेकंड पॉइंट, मोर द एस कैरेक्टर, मोर द एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिट, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इज द बॉन्ड एंगल, मोर इज द बॉन्ड एंगल। ओके, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। ओके, तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किस में होता है? एस पी में। तो बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा? एस पी में। ओके, फिर एस पी टू में, फिर एस पी थ्री में। ओके, कितना होता है वो भी देख लेते हैं हम। तो जो एस पी है आपका, उस एस पी में बॉन्ड एंगल होता है 180 का। जब भी आपका एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो हम इसी चैप्टर में देखेंगे, सो डोंट वरी। लेकिन जब भी आप एस पी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो वहां पे होगा बॉन्ड एंगल आपका 180 का। ओके, इन द एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल विल बी 120। ओके, एंड इन द एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ओके, तो ये आपके हो गए। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे एस कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है? तो एस कैरेक्टर है 50%, एस पी टू में एस कैरेक्टर होता है 33.33% और एस पी थ्री में एस कैरेक्टर होता है 25%। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। ओके, तो ये सेकेंड फैक्टर हो गया। पहले हो गया कि जो भी एटम और ग्रुप प्रेजेंट है उनके बीच का रिपल्सन, फिर आता है एस कैरेक्टर, फिर थर्ड फैक्टर है जो आपके लोन पेयर है। ओके, वो बढ़ने से भी क्या होगा? तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ओके, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आपका बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सो यू विल कैन अंडरस्टैंड इजिली। सपोज कि आपका पहले है CH3, तो यहाँ पे H, H, H और H। ओके, यहाँ पे अगर आप किसी भी HCH बॉन्ड का एंगल मेजर करोगे देन यू विल गेट दैट कि ये जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ पे sp3, और sp3 में हमने बोला कि उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, तो यहाँ पे सही है। ओके, इफ यू टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल, सपोज यू टेक NH3, यू नो दैट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, उसमें से 3 उसने बॉन्ड में यूज किए, तो उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गया। ओके, उसके पास क्या रह गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका H बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना, इतने का ही, क्यों, क्योंकि ये जो N है उसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, तो बॉन्ड एंगल इतना ही आना चाहिए। ओके, बट वो बॉन्ड एंगल ड्यू टू दैट रिपल्सन ऑफ लोन पेयर घट के हो जाता है 107 डिग्री हो जाता है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द H2O, ओके, इन द H2O यहाँ पे क्या होता है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, उसमें से उसने सिर्फ 2 ही यूज किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर हो गई आपके पास ऑक्सीजन पे पास। ये जो ऑक्सीजन है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, फिर भी उसका जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाता है 104.5 डिग्री। ओके, देखो तीनों का तीनों sp3 है, यहाँ पे 1 लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है तो मैक्सिमम एंगल है। ओके, यहाँ पे 1 लोन पेयर है तो इससे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो उससे भी ज्यादा डिक्रीज हुआ, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, लोन पेयर जो रिपल्सन है वो बहुत ज्यादा होता है, ड्यू टू दैट बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो हो गया आपका एक और फैक्टर जिसके ऊपर बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विथ द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, कि जैसे जैसे जो सेंट्रल एटम है आपका, ओके, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं हम उनका, तो H2O उसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है एज कम्पेयर टू H2S। ओके, उससे कम है H2SC और उससे कम है H2T। ओके, ये आपका कौन सा है, तो 16 ग्रुप के एलिमेंट है जो ऑक्सीजन है, आप यहाँ पे जो देख रहे हो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ओके, ये सारे कौन से हैं, तो दे आर द 16 ग्रुप एलिमेंट। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम कैसे है, तो 16th ग्रुप एलिमेंट। ओके, चलो अब ये जो है वो कौन सा है, तो ग्रुप में अप टू डाउन का ऑर्डर है, अप टू डाउन का ऑर्डर है। ओके, तो अप टू डाउन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अप टू डाउन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की है। ओके, ऑक्सीजन से टेलुरियम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो आप देख सकते हो कि बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, इफ यू सी दैट उसकी वैल्यू आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों आप याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों के बॉन्ड एंगल आपको MCQ में भी आ सकते हैं। ओके, अब ये बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि जो H2 है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो आपने अभी देखा 104.5 डिग्री। ओके, ये इसका जो होता है वो 92.2 डिग्री।
H2SE का है 91.0 डिग्री, ओके, और इसका है 89.5 डिग्री। मतलब अप टू डाउन जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पर किसकी, सेंट्रल एटम की, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा। ओके ना, द नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ सेंट्रल एटम रिमेनिंग सेम। ओके, सेंट्रल एटम यहाँ पे हमने बोला कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका बॉन्ड एंगल कम, लेकिन अगर सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, रिमेनिंग सेम, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ओके, मतलब बॉन्ड एंगल जो है सराउंडिंग एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है, ओके, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की डिक्रीज होगी तब। ओके, सपोज उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है PCl3, PBr3 एंड PI3। ओके, चलो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सब में फास्फोरस कैसा है, सेम है। सराउंडिंग एटम यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, PBr3 एंड आयोडीन है। ओके, तो हमें पता है अप टू डाउन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आयोडीन की। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, ओके, तो उसके लिए जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, उसके लिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास है NH3 एंड NF3। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम में इसकी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, NH3 का ज्यादा होगा। ओके, वैल्यू देख लेते हैं हम एक बार। तो NH3 की तो हमने अभी अभी देखा, ओके, 107 डिग्री, और इसका होता है 102.4 डिग्री। ओके, PCl5 का जो है वो होता है 100 डिग्री, PBr3 का होता है 101.5 डिग्री, और इसका होता है 102 डिग्री। सो यू कैन सी दैट के सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये हमने देख लिया बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड एंगल क्या है और कौन से फैक्टर बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो हमने देख लिया। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल थिंग्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड बॉन्ड पैरामीटर विच इज द बॉन्ड एनर्जी। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।